मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं जिंदगी अमन सुकून खुशी खैरियत के साथ गुजर रही हो। कैसे आप सब लोग? हाउस लाइफ? गर्मी कैसी है? बहुत है ना, लेकिन कल कितना अच्छा मौसम था, कल कितना ज़बरदस्त था और यही ज़िंदगी है। कल अच्छा था सब, आज उतना अच्छा नहीं है, कल हो सकता है और ज़्यादा सख्त गर्मी हो सकता है बारिश हो जाए। सो ज़िंदगी जो है वो अपनी अप्स एंड डाउन्स के साथ अपनी सारी खूबसूरतियों के साथ इसी तरह से चलती रहती है। उसमें अगर हम कहें ना कि एक एक ख्वाब की सी सूरत हो जिसमें सब अच्छा अच्छा हो, अगर हमें किसी पार्टी में जाना है तो हम तैयार हों तो सब परफेक्ट हो, तो सब परफेक्ट तो कभी भी नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बाल नहीं अच्छे बनेंगे, लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ जो है वो ठीक नहीं होगा, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। तो फिर क्या होता है जब ऐसा हो? किस किस के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है? किस किस को लगता है यार अक्सर ही ऐसा हो जाता है मेरे साथ? कोई है? हैं? होता है ना। तो फिर बताएं जब ऐसा होता है क्या करती हैं, क्या फील होता है, फिर कैसे इसे डील करती हैं? माइक है आपके पास। हाँ, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही टेंशन हो जाती है एकदम से कि क्या हो गया, टेंशन तो बहुत, कैसे जल्दी से होगा सब। रोने लगती हैं? नहीं, रोई कभी नहीं हूँ। अच्छा, फिर क्या करती हैं? बस अगर अक्सर मेजोरिटी मेरा लाइनर खराब होता है तो बस उस पर मुझे फिर थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, इसको सही कैसे करूँ। लाइनर जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है। और ये टेंशन जो है ये भी सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये भी बहुत सारे लोगों का है। अच्छा, मसला तब होता है जब हम ये फील करते हैं कि सिर्फ हमें हो रहा है ये मसला, बाकी तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब हम ये रियलाइज कर लेते हैं ना कि यार जिंदगी ऐसे ही है, इसमें सब चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी, कोई ना कोई गड़बड़ होगी। अच्छा चलो, आज इस चीज़ के गड़बड़ होने का जो है वो टाइम था। आज सुबह मैं आ रही थी तो जब ज़्यादा जल्दी निकलना पड़ता है ना, क्योंकि अब हम यहाँ पर हैं जो कि सरीन इवेंट एंड बैंक्वेट हॉल जो कि बरकी रोड पर है, वो बहुत दूर है मेरे घर से, एक घंटा लगता है मुझे रोड के ऊपर। तो उसका मतलब ये होता है कि आप सुबह सुबह निकल के गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर आप बिल्कुल गाड़ी में सो रहे होते हैं, ऐसे और ऐसे और ऐसे करके ये ब्रेक लगती है तो फिर आप देखते हैं कि क्या हुआ। आज सुबह जब मैं आ रही थी तो मेरी गाड़ी को अचानक फुल स्पीड ब्रेक लगी तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैंने आंखें खोल के देखा तो इमेजिन क्या हुआ होगा, एक लड़की, एक यंग बच्ची, यानी आप में से ये जो दरमियान में बच्चियाँ बैठी हुई हैं, क्या एज है बेटी आपकी, आपकी एज क्या है? हाँ, 10 साल? 10 साल? यस, मेरा ख्याल में 10 साल की भी नहीं होगी, लेकिन इतनी उम्र की बच्ची और वो चला रही गधा गाड़ी, ठीक है, गधा गाड़ी। और गधा गाड़ी, अब ये वन वे ट्रैफिक रोड है, उसके ऊपर उसने फुल स्केल, उस वन वे के ऊपर, यानी ये नहीं है कि उसने फुल स्केल यू टर्न ले लिया। अब वो गधा है, वो गाड़ी भी नहीं है जो हॉर्न दे सुन के ब्रेक लगा लेगा या लगा लेगी वो गधा गाड़ी, उसने यू टर्न ले लिया उस बच्ची ने। उसे नहीं अंदाजा कि उधर से जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें तो नहीं पता कि एक गधा गाड़ी यूं जाते जाते अचानक यूं करके यू टर्न लेके उनके सामने आ जाएगी। सो वो फुल स्केल जो एक ब्रेक लगी ना, उसने मेरा सांस यहाँ से तो यहाँ तक, मुझे एक लम्हे के लिए मैंने देखा दूर से, यानी यहाँ से गाड़ी की ब्रेक लगना शुरू, मुझे लगा कि आज ना गधा बचेगा, ना गाड़ी बचेगी, ना मैं बचूंगी, ना कुछ और बचेगा। अच्छा, वो एक जो टाइम मोमेंट होता है ना, उसमें आप पता नहीं आपके जहन में क्या क्या कुछ आके चला जाता है, एंड समहाउ इतने थिन मार्जिन से वो गधा बचा और गाड़ी बची, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे गधा ना, मुंह से मुंह मिला के सुबह सुबह खड़े हो गए रोड के ऊपर। और मैं सोच रही थी कि यार अभी अगर ये हिट कर जाता, अभी अगर ये टकरा जाता तो क्या बनना था यहाँ पे, यानी मैं ज़ाहिर शो के लिए भी ना आ सकती, ज़ाहिर भी ज़्यादा गधा मर जाता, हो सकता है मुझे खुदा ना खास्ता ज़्यादा कुछ चोटें लग जाती, ड्राइवर को कुछ हो जाता, गाड़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती, होता है ना। तो हर दिन अपने साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात लेकर आता है जो हमें ये याद दिलाते हैं कि यार हम लोग जो है ना कितने लंबे लंबे प्लान्स करते हैं, कितनी कितनी सोचे सोचते हैं, और असल में जो है ना बात वो एक सेकेंड एक मिनट में ख़त्म भी हो सकती है। और इसमें होना सिर्फ ये है कि वो सब लोग जिन्होंने के रोड पे जाना होता है, थोड़ी सी एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज मैंने 3 एक्सीडेंट्स देखे हैं, एक तो ये जिसका मैंने आपको से तस्करा किया, एक ज़रा आगे आए तो वो एक मोटरसाइकिल वाले गिरे हुए, 3 लोग बैठे हुए थे और वो 3 गिरे हुए। सो ये चीज़ें इंसान को डिस्टर्ब करती हैं, और जो गाड़ी चला
رہی ہوں. خاص طور پہ خواتین جب بیٹھے نا تو اپنے دوپٹے بہت سنبھال کے موٹر سائیکل, کون کون موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے؟ سارے ہی بیٹھتے ہیں. ویری گڈ. ٹانگے ایک سائڈ پہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ کر کے بیٹھتے ہیں؟ ایک سائڈ پہ. لیکن اب دونوں سائڈ پہ کر کے بیٹھا کریں. اب تو اتنا مسئلہ نہیں, اب تو لڑکیاں اسکوٹر بھی چلاتی ہیں, رکشے چلاتی ہیں, تو اب تو میرا خیال ہے یہ زیادہ سیف ہے, سیکیور ہے کہ آپ جب موٹر سائیکل پہ بیٹھیں تو ٹانگیں دونوں سائڈ پہ کر کے آرام سے بیٹھیں, اپنے دوپٹے شپٹے سنبھال کے بیٹھیں, اور ایک ہیلمٹ بھی ضرور پہنیں, کیونکہ اگر ہیلمٹ پہنا ہو تو چوٹ لگنے کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے. اینی وے, یہ تو وہ میرے ذہن میں باتیں تھیں جو آج آتے ہوئے. لیٹس ایک زبردستی تالیاں بجائیں گے کہ دیکھیں گدا, شکر اللہ کا گدا گاڑی سے نہیں ٹکرایا, گدا بھی بچ گیا, میں بھی بچ گئی. اچھا اب آج کی میری مہمان بہت زبر, میں کیوز دوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور پہچان لیں گے. پہلا ہی کیوں میں وہ دوں گی کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ مس نہیں ہونا چاہیے. ان کے ذکر کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. خبریں ہوں, کوئی نیوز بریک کرنی ہو, کوئی انٹرٹینمنٹ کی خبر ہو, کوئی شو ہو, کوئی گپ شپ ہو, کوئی تذکرہ ہو, فلم انڈسٹری کی جہاں پر بات ہوتی ہے, ان کے ذکر کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. امیجن کون کون ہو سکتا ہے وہ. آنٹی بڑا مسکرا رہی ہیں. زیادہ تر ان کا ہی ذکر ہوتا ہے. زیادہ تر ان کا ہی ذکر ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے نیوز میں یا کوئی ڈرامہ ہو اس میں, بس ان کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. ان کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. میں نے جو کیو دیا سے آپ کا لگا کہ میں جس فلمی شخصیت کا ذکر کر رہی ہوں کہ ہم کہیں چلے جائیں, سیاست میں چلے جائیں, کھیل میں چلے جائیں, فیشن میں چلے جائیں, فلم میں چلے جائیں, ڈرامہ میں چلے جائیں, تو ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. تو وہ میرا جی ہیں. ویری گڈ. سو پہلے میرے زبردستی انٹیلیجنٹ آڈینس کے لیے تالی. شی از رائٹ, یو آر رائٹ. اس لیے کہ بہت ساری سپر ہٹ فلمز جن میں کہ بہت پرائیڈ آف پرفارمنس انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے, جس میں بہت خوبصورت فلمیں شامل ہیں جن پہ ان کو یہ پرائیڈ آف پرفارمنس ملا, کھلونا, وراثت, گھر کب آؤ گے, رخصتی, چلو عشق لڑائیں, طوفان, سلاخیں, یہ سب وہ فلمیں ہیں جو کہ ان کی جیسے کہ ٹاپ آف دا لائن ہٹ فلمز ہیں. اور بھی بہت ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو مجھے یاد ہے. اچھا, اور ہر بات ان کی ظاہر خبر بن جاتی ہے. جیسے ابھی آج میں نے آپ کو کہا, ہر کوئی بات وہ کہہ دیں تو وہ ویسے ہی ایک نیوز ہے. سو پلیز ویلکم ویری گارجیس, ویری ٹیلنٹڈ دی میرا. کیسی ہیں میرا جی؟ لوکنگ سٹننگ یار. آج صبح میں اپنی میک اپ آرٹسٹ سے کہہ رہی تھی کہ کچھ ایسے بال ہونے چاہیے کہ نیک پہ بال نہ آئیں, تو لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا جی اتنے سٹننگ قسم کا ہیئر سٹائل بنا کے آئیں گی. جلدی میں بنائے ہیں. نہیں نہیں, یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر جتنی گرمی ہونے والی ہے نا, تو آپ اپنے اس فیصلے کے اوپر بہت اچھا فیل کرنے والی. کیسی ہیں؟ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کے شو پر آ کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ جب اٹھ کے شو پہ آ جاتی ہیں. اس لیے کہ ہاں, تھینک یو ویری مچ. کیسی گزر رہی ہے زندگی میرا؟ بہت زیادہ مصروفیت. اور 28 جون کو میری فلم آ رہی ہے باجی. ویسے تو دو فلمز نہیں آ رہی. 28 جون کو ایک فلم آ رہی ہے باجی, اور اس کے بعد بڑی عید پر عاصم رضا کے ساتھ اس فلم میں ایک بہت ہی امیزنگ, بہت ہی پرے ہٹ لو. اچھا, پرے ہٹ لو. تو ٹھیک ہے. ویسے تو اس عید پر بہت ساری فلمیں لگیں, اور چھلاوا تھی, پھر رانگ نمبر 2 تھی, اور بہت اچھا بزنس کیا ان فلموں نے. تو اب میں ایکسائٹیڈ ہوں اپنی فلم کو لے کے. بالکل. ہماری ٹیم, ہمارے ڈائریکٹر ہیں ثاقب ملک, اور ہمارے رائٹر ہیں عرفان. ہم میرا کو کیسے دیکھیں گے؟ میرا مطلب کیا کر رہی ہوں گی؟ کوئی بہت گلیمرس خاتون ہے جو بڑی اچھے ڈانسز یا پرفارمنسز کر رہی ہوں گی, یا کوئی کیریکٹر قسم کی ایکٹنگ ہے؟ مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا کچھ ڈراؤنا پن بھی ہے اس میں. کیا چیزیں ہیں فلم میں؟ یہ فلم فرح, یہ بہت ہی گلیمرس فلم ہے, بہت ہی فیشنیبل فلم ہے, جو کمرشل ڈائریکٹر ہمارے کمرشل ڈائریکٹر ہیں
जिनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े डायरेक्टर उनको माना जाता है, ठीक है, और बहुत सारे कमर्शियल्स जैसे आपने लक्स के कमर्शियल्स, ओके, और बड़े बड़े जो कमर्शियल फिल्म मेकर हैं, वो कमर्शियल फिल्म मेकर हैं, और तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. और साकिब मलिक, उनकी ये पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है. फिल्म का नाम है बाजी, और बाजी एक स्टार, एक फिल्म स्टार की ज़िंदगी की कहानी है. एक ऐसा कैरेक्टर जो एक फिल्म स्टार की ज़िंदगी, और फिर एक आपकी तो नहीं है, नहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरी झलक नज़र आ जाए. अच्छा, क्योंकि क्योंकि जब फिल्म स्टार की जिंदगी की बात, फिल्म स्टार जिंदगी की कहानी, वैसे मेरा कभी आपने सोचा है अपनी जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाने का? बिकॉज पीपल वुड लव टू वॉच इट. वैसे हर एक की बहुत होती है, लेकिन आपको लेके तो लोग बहुत सस्पेंस में होते हैं ना कि मीरा के बारे में हमें और जानने का मौका मिले. हाँ, मेरी जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन वो ये है कि उनको मुझसे रब्ता करना पड़ेगा, मेरे साथ बैठना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा ज़िंदगी को, सीन्स को समझना पड़ेगा. पूरी ज़िंदगी को समझकर फिर फिल्म बनाई जा सकती है. सिर्फ आप के ख़बर में क्या आया, और बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द बिकॉज कैमरे के पीछे की जो ज़िंदगी है, उसके लिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा उनको सिटिंग्स करनी पड़ेंगी, और आई थिंक के मेरे साथ बैठकर उनको वो फिल्म लिखनी पड़ेगी. ये मेरा फिर अच्छी बात, फिर अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है. अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि आप चाहे असल मीरा को समझ सके. हाँ, असल किसी भी जिंदगी को, किसी की भी जिंदगी. और बहुत सारे ऐसे माशरे में कैरेक्टर्स हैं जिनको समझने के लिए उन कैरेक्टर्स के साथ बैठना बहुत जरूरी है, और उनके बारे में जानना और उन्हीं से जानना. बिल्कुल सही कह रही है, बहुत जरूरी है. सही कह रही है, इसलिए हम उन्हें औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता. तो वो बात है ना कि आप दूसरों से सुन के राय बना लेते हो, अच्छा नहीं है, वो यूं है, जरूरी है मिलना. भैया, फूल किसके लिए, किसके लिए है जी? मीरा के लिए. मीरा के लिए था. आए, देर किस चीज की है? Thank you so much. अच्छा, अब आपकी मीरा के साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश है क्या? हाँ, मुझे फोन लेकर आइए ना, मोबाइल. उसका मतलब ये कि उसने सेल्फी लेनी है आपके साथ. सर, एक सेल्फी आप लेंगी, मीरा को ले लीजिए, ताकि वो अपने अंदाज से आपके साथ सेल्फी ले हैं वो लें. मीरा का सेल्फी स्टाइल. हाँ मेरे से, कितनी सेल्फी लवर हैं आप, कितनी सेल्फीज बनाती हैं और अपलोड करती हैं? सेल्फी अगर कोई कहे तो मैं मना नहीं करती. और सोशल मीडिया पे कितना क्रेजी है आपके? बड़े अकाउंट्स होने चाहिए, बड़े फॉलोअर्स होने चाहिए, बड़ी रोजाना चीजें अपलोड होनी चाहिए. सोशल मीडिया पर मेरा इंस्टाग्राम का मेरा पेज है, मेरा फेसबुक पेज है मीरा जी ऑफिशियल वन, और मेरा ट्विटर पेज एक महीने से हैक हो चुका है, और उसका पासवर्ड या कहीं गुम हो चुका है या किसी ने हैक कर लिया है. तो मतलब हमें उस ट्विटर अकाउंट से भी बड़ी खतरनाक ट्वीट्स हैं कुछ दिनों में मिलने वाली है. नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाली. एक महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको रिकवर करें. जो स्पेशलिस्ट हैं, जो ट्विटर के और आईटी के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि रिकवर कर लें. रिकवर करने की कोशिश की जा रही है. ओके, अच्छा, आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो स्क्रिप्ट राइटर बन सकूं जो शायद जिंदगी में कभी मीरा के ऊपर कुछ लिख सके. तो मैं कोशिश करूंगी कि आज अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बन गई तो वो मेरी फिल्म नहीं बनेगी, बिकॉज उसके लिए वो जो उसके जो मोमेंट्स हैं स्पेशल, वो आप इस तरह बयान नहीं कर सकते. ओके, लाइफ आज फिल्म के बारे में बात करेंगे, इन बिट्स के क्या क्या कुछ जो है वो है और क्या क्या कुछ कैसे है. एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद स्टे विद अस बिकॉज मीरा इज हियर. सदाबहार गीत, ऑल टाइम फेवरेट. मीरा जी, आपको कैसे गाने अच्छे लगते हैं, ऐसे सैड या फिर जरा धूम धमाके वाले? इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं. रोमांटिक, रोमांटिक, सैड. अच्छा, म्यूजिक और बहुत ज्यादा जिसमें म्यूजिक हो, डांसिंग नंबर्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते. नहीं लगते? अरे, हालांकि मीरा जो है वो इतना अच्छा डांस करती है, स्क्रीन पे हम देखें तो हमें लगता है कि मीरा इतनी
फन लवर आउट गोइंग होंगी, लेकिन उदास गाने स्लो नंबर्स मीरा को पसंद है। हाँ, मुझे स्लो नंबर, जैसे इन्होंने ये बहुत अच्छा गाना गाया और गाना भी बहुत इन्होंने चुनकर बहुत अच्छा गाना। अच्छा, लेकिन मेरा भी मेरे दिल के भी बहुत करीब है ये गाना। वाओ, ग्रेट, बहुत खूबसूरत गाना गाया। अच्छा, मेरा बहुत और मज़ा आया, आपने जिस तरह से इतने दिल से गाना गाया, थैंक यू सो मच, बहुत अंदाज बहुत खूबसूरत था, डिलीवरी और गाने का अंदाज। आपके तासरात भी बड़े अच्छे थे, आप भी गाने को बड़ा महव हो के बड़ा इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी, जो कि जो बंदा फील करता है ना वही सुन सकता है इस तरह से। बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है। ये नोरीन बेग उनकी कलेक्शन में से उन्होंने डिज़ाइन किया था मेरे लिए। ठीक है, तो आप खुद सिलेक्ट करती हैं जो ड्रेसेस आप अपने लिए पिक करती हैं, या आप किसी कोई और आपके लिए सिलेक्ट करता है डिज़ाइनर्स, या कोई आपका पर्सनल ऐसा? कभी कभी डिज़ाइनर्स की, लेकिन मैं जैसे मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीला मुर्तज़ा, उन्होंने फिल्म की वार्डरोब की और स्टाइलिंग की, फिल्मबाजी की, तो अदरवाइज़ वो डिसाइड करती हैं क्या पहनना है, मेकअप कहाँ से होगा, लुक क्या होगी, मेकअप किस तरह से होगा। तो वो एक्चुअली हमारी स्टाइलिस्ट हैं अनीला मुर्तज़ा के, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। ठीक है। अच्छा मीरा, आप माशाल्लाह से, अब देखें आप यहाँ पर आई हैं, आपका आपकी लुक ही फ़र्क है, आपकी मतलब अंदाज ही फ़र्क है। आप फिल्म में जाती हैं, आपका लिबास भी मेकअप भी, वो लगता है एक और मीरा है, ये एक और मीरा है। आप किसी और जगह पर मौजूद होती हैं, वहाँ पर एक और, इतने सारे शेड्स में से असल रियल कौन है? अगर हम किसी को अचानक मीरा के घर चले जाएं तो मीरा हमें कैसे मिलेगी? मेरे ख्याल में जो एक रियल एक्टर, अगर आप आपका जो करियर है या आपकी जो आपकी एक्टिंग, बिकॉज मेरी जो शुरुआत, मेरा जो वो, मैं एक्टर हूँ, जाहिर है, ऑब्वियस, सबसे पहले मैं एक एक्टर हूँ, तो एक्टर की कोई अपनी शक्ल नहीं होती, उसको मुख्तलिफ रूप मिलते हैं, कभी ये कैरेक्टर है, कभी ये किरदार है। तो आई थिंक उन किरदारों में और अपनी शख्सियत को संभाल कर रखना, अपनी पर्सनालिटी को और अपनी अदा को, मेरे ख्याल में मेरी अपनी जो मैं इस वक्त आपके सामने हूँ ये रियल है। एग्जैक्टली, ठीक है। और जो मैं किरदार जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो वो भी रियल होता है। लोग समझते हैं कि वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग नहीं, एक्चुअली में हम वो किरदार को जीते हैं, उस कहानी को हम जी कर, यानी अपनी उसको अपनी ज़िंदगी देकर उसको परफॉर्म करते हैं, तो वो किरदार झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में असर छोड़ता है, वो किरदार कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके वजूद में, आपके अंदर चला जाता है, सही, आपके खून में चला जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की, किरदार निभाया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस किरदार को कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में, वो किरदार कहीं ना कहीं ज़िंदगी में है। ठीक है, और वो है। ठीक है, जैसे बाजी का जो किरदार है, हाँ, बाजी की जो कहानी है, तो मुझसे कई लोगों ने इंटरव्यूज़ पूछा कि आपने बाजी के में जो किरदार कैसे निभाया, मुश्किल था? तो मैंने सबसे ये कहा कि मैंने बाजी के किरदार को जिया है, मैंने शमीरा के कैरेक्टर में अपने आप को देखा है। शमीरा, यानी जो आपका कैरेक्टर है उसी का नाम बाजी है? बाजी एक्चुअली बाजी जो है फिल्म का नाम है। अच्छा, और बाजी एक टाइटल रोल है जो कि मैं एक बस जॉब कर रही हूं, जो मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन फिल्म के अंदर मेरा नाम शमीरा है। ठीक है, और नेहा मुझे जो दूसरा कैरेक्टर है, नेहा मुझे बहुत प्यार से बाजी कहती है फिल्म में। ठीक है, इसका मतलब दो बहनों की कहानी है कि? बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, कहानी बहुत, इससे पहले मैं सिर्फ ये बताती ज़रूर बताऊँगी कि इससे पहले इस तरह की कहानी, इस तरह की फिल्म पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बनी। ठीक, तो ये पाकिस्तान के हिसाब से इसलिए एक अछूती और मुनफरिद कहानी है, और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक एक कहानी। अच्छा, आमना इलियास है जो कि आपकी छोटी बहन, नेहा आप कह रही हैं जो नाम है, और उस्मान भट्ट, कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब यंगस्टर्स, अपकमिंग टैलेंट, नए हीरो हीरोइन हमारे, कैसा लगा? आमना इलियास बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव,
प्यार करने वाली, चीज़ों को समझने वाली और बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली और अंडरस्टैंडिंग लड़की है. ठीक है. और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. वेरी गुड. और हम बहुत अच्छा हमारे ये फिल्म में ही दोस्ती हुई. फिल्मी दोस्ती मेरे ख्याल में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम किरदारों को सिर्फ फिल्म में वो कैरेक्टर्स नहीं थे, एक्चुअली वो से बात करते हैं और एक दूसरे को अटेंड करते हैं. तो मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगा. अंडरस्टैंड आप एक दूसरे को, आप एक दूसरे को आई थिंक वही हमें हर अपने किसी किरदार से या अपने चाहने वालों से या सामने वालों से या जिनके साथ हम काम करते हैं, हमें सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग का वो जहाँ पर हमें क्या बात है यार, इतनी तारीफ मैंने किसी को अपने साथ को स्टार की करते हुए नहीं सुना जितनी के मीरा अपने साथ के को स्टार की करी, विच इज अमेजिंग. सो हम इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं. टेकिंग द लीड फ्रॉम हेयर कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ काम किया. मीरा आपने तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम किया कि कम ही लोगों ने इतना किया होगा. आप एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का. तो बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया. अब उन सबकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे. सबकी तो नहीं दिखा सकते, उनमें से चंद की. और जैसे आपने आमना के बारे में खुल के अपनी राय का इजहार किया, तो वी वुड लव टू नो दीज पीपल फ्रॉम मीराज पॉइंट ऑफ व्यू कि मीरा इन लोगों को कैसा पाया, कैसा देखा, कैसा रिलेशनशिप, हाउ विल यू एक्सप्लेन देम. सो पहले मीरा के पहले कंपेनियन, साथी, दोस्त कौन है? सबसे पहली तस्वीर जो यहाँ पर हम देखेंगे, ओ बाबर अली बहुत ही टैलेंटेड, समझदार और अपने आप में रहने वाले और अपने किरदार के साथ इंसाफ, अपने काम के साथ इंसाफ किया इन्होंने हमेशा. इनके साथ मेरी एक फिल्म थी, खोए हो तुम कहाँ. हाँ, बहुत मशहूर हिट फिल्म. जी हाँ. एक और फिल्म थी बाजीगर. तो बहुत सारी फिल्मों में हमने एक साथ में काम किया, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खुददार और गैरतमंद और बहुत ही अच्छे. अभी इन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आप माशाल्लाह अभी तक हमें नजर आती हैं हर जगह, फिल्म भी आ रही है, दो फिल्म्स आ रही हैं, जो कमाल बात है कि मीरा के साथ जिन लोगों ने काम किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई भी ऐसा है जिसकी दो फिल्म्स आ रही हूँ. अभी तक छाई नहीं है. अच्छा, तो क्या आप मशवरा बाबर को भी देंगी? सबको एक आपने ना एक अपनी तरफ से एक मशवरा भी देना है. मैं बाबर अली उनको ये मशवरा दूंगी कि वो लीड पर जो उनका पोटेंशियल है, फिल्म करें, फिल्म इंडस्ट्री वो बहुत काम करें, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन मेरा मशवरा ये कि वो एक मेल लीड पर मेल लीड की फिल्म करें. बिल्कुल सही. नेक्स्ट कौन है हमारे पास स्टार? जान रैम्बो के साथ एक फैमिली ओरिएंटेड एक रिश्ता है दोनों मियां बीवी के साथ, और मैं इनको दिल से भाइयों की तरह समझती हूँ. मैं इनको भाई समझती हूँ और मैंने और एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत ख्याल रखने वाले, समझाने वाले. जब मैंने नहीं मेरे साथ इनका एक गाना था बूम बूम, सैयद नूर साहब की फिल्म का गाना था. हाँ. बूम 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 प्यार का नाजिया हसन. अच्छा, बूम बूम. हाँ. तो हमेशा समझाने वाले और हमारी बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है. okay. और एक फैमिली ओरिएंटेड और एक फैमिली गुड. अरे मैं मशवरा वाला पार्ट स्किप करती हूँ, नेक्स्ट चलेंगे. नेक्स्ट तस्वीर किन की है? रेशम जी. अब आप रेशम और आप जो है हमने बहुत सारा फिल्म्स में बहुत इकट्ठा काम किया. जी हाँ, इंतहा में और बहुत सारी फिल्मों में मैंने. हाँ. और रेशम ने बहुत आला काम किया. बहुत अच्छी टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी खातून हैं और अच्छा काम करती हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं. लेकिन मेरे ख्याल में वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और मेरी भी मसरूफियत, मैं
अपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मसरूफ़ हूँ, तो हमारी मुलाकात बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ भी हम कभी मिलते हैं हम बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं। अदरवाइज रेशम बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल सही। हु इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन है जी? साइमा जी। साइमा जी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और दिल लगाकर काम करती हैं। बहुत ही अच्छी इंसान है। ठीक, नेक्स्ट कौन है? आजकल की जैसे कहते हैं क्रेज ऑफ द टाइम, मायरा खान भी बहुत अच्छी हैं, अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। ठीक है, अच्छा जैसे चूंकि यहाँ पर अभी मायरा की सिर्फ तस्वीर आई है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ लेती हूँ, मायरा, महविश हयात, कौन कौन और लोग हैं जिनका सबा कमर, अगर आपको इन तीनों में से किसी एक को कहना हो कि यार ये सबसे बेस्ट है, तो मीरा जी किसको कहेंगे एज डायरेक्टर, एज आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल में मुझे सबा कमर का काम अच्छा, सबा कमर अच्छी लगती है, वेरी गुड। और परिहट लव में तो आपके साथ है ना मायरा खान? जी हाँ, परिहट लव में मायरा खान हैं, इसके अलावा माया अली हैं, अच्छा शहरयार मनवर हैं। तो आपने मायरा की इतनी नहीं तारीफ की जितनी आपने आमना लियास की है? नहीं, माया अली बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड हैं और उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी फिल्म थी टीफा इन ट्रबल, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अली जफर के साथ। फिर अभी जो है इस फिल्म में परिहट लव में वो बहुत खूबसूरत उन्होंने काम किया, और आसिम रजा उन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया, बहुत ही पाकिस्तान, बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर हैं, और उनकी डायरेक्शन में बनने वाली ये एक बहुत बड़ी फिल्म है। ओके, सबा कमर हमारे पास आ गई कि सबा कमर तीनों में सबसे बेस्ट है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए लोगों को भी सबा कमर बहुत पसंद है। बाकी बची हमारी दो अगेन वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, एक महविश हयात जिन्हें तमगा अपनी जगह पर, सब अपनी जगह, और एक माहिरा खान जो कि अगेन बहुत बड़ा एक्सपोजर, बड़ी फिल्म्स, बड़े बैनर्स। सो अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से मीरा किसको नंबर वन करार देंगे? नंबर वन जो एक हमेशा रेस रहती है फिल्म इंडस्ट्री में, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, पर्सनल लाइक डिसलाइक भी हो सकती है, काम का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, आर्टिस्टिक अप्रोच हम लेंगे। आई थिंक सबा का बन, नहीं सबा तो हो गई ना, महविश हयात और मायरा खान, अब दो लोग हैं मुकाबले में। अब महविश अपनी जगह अच्छा काम कर रही हैं और मायरा खान अपनी जगह कोशिश कर रही हैं अच्छा काम करने की। ठीक है, लेकिन दोनों को इसलिए कि दोनों दो मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ हैं, अपनी अपनी जगह, ठीक है, सबकी कोशिश होती है कि ठीक है वो अपनी जगह बने मेरे ख्याल दोनों कौन है हमारे पास? सना फखर। सना मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट काम कर रही है, बेस्ट इनके जो कैरेक्टर्स हैं, और मैं तो इनसे बहुत मुतासिर हूँ, मेरी तो फेवरेट हैं ये। अच्छा, तो सना जो है वो किस एंगल से किस लिए फेवरेट है? बस इनकी जिंदगी को लेकर और काम को, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच और मेंटल जो स्टेट ऑफ माइंड है, और 70% आपकी मेंटालिटी और आप दिमाग से काम कर रहे होते हैं, 30% या 40%, लेकिन इनकी जो मेंटल अप्रोच है या स्टेट ऑफ माइंड है वो मुझे बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा? बहुत पॉजिटिव, और शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल सही, ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? हमने ब्रेक पे जाना है। ओ, हमारी रीमा जी। हाँ, सीनियर हैं, बहुत अच्छी हैं, इन्होंने जब भी इनकी फिल्म थी निकाह उसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है, और अभी भी इनको फिल्मों में काम करना चाहिए। ठीक है, मीरा रीमा के साथ हमने शो किया था, रीमा ने कुछ मशवरे दिए थे, अगर आपको मशवरा देना हो मीरा ने अगर रीमा को मशवरा देना हो तो क्या मशवरा देंगे? मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि वो ज़रूर बाजी फिल्म को देखें और ज़रूर कॉमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, सीनियर होने के नाते कि उनको फिल्म कैसी लगी, और ज़रूर हमारे साथ फिल्म देखें।
और अगर उन्होंने कोई नाकदाना राय दे दी, जैसे फर्ज किया, कहती हैं कि फिल्म में ये चीज़ ये ठीक नहीं थी, ये फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। हाँ, तनकीद से कोई रिमार्क, तनकीद से तनकीद तो जिंदगी का हिस्सा है और तनकीद से जिंदगी बेहतर होती है। ठीक है, जिंदगी में और ज्यादा आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। वेरी गुड, लेट्स टेक अ ब्रेक। अब आप लोगों ने ना पूरी आवाज से एक आवाज लगानी है, क्या कहना आपने? लेट्स टेक ब्रेक। मुझे आवाज नहीं आई है, दोबारा आवाज लगाइए। लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके, खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं हमारी बहुत टैलेंटेड सुपरस्टार दी मीरा से, जो कि यहाँ पे मौजूद है। मेरा फोन के साथ बिजी है। नहीं, मैं सोच रही थी कि अभी साकिब उनका मैसेज आया है, जो आपकी फिल्म के डायरेक्टर हैं। साकिब का मैसेज आया है कि वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट बाजीज नेक्स्ट हिट सॉन्ग गैंगस्टर गुड़िया बींग रिलीज टुमारो June 19th, डोंट फॉरगेट टू वॉच। वेरी गुड। कि हमारा एक, मैं बताती चलूं कि गैंगस्टर गुड़िया आज हमारा गाना जो है वो रिलीज़ हो रहा है, और उन्होंने मैसेज दिया कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस सॉन्ग गैंगस्टर गुड़िया। गैंगस्टर गुड़िया, हाँ, गैंगस्टर गुड़िया। उसमें गैंगस्टर गुड़िया, गैंगस्टर गुड़िया, अब जब आप गैंगस्टर गुड़िया बाजी फिल्म देखेंगे तो आप हम देखेंगे, गाना ही देख लेंगे आज, हमें पता चलेगा। तो थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा बता दें कि हुज़ गैंग। वहाब रियाज, अमेजिंग कोरियोग्राफी। नहीं नहीं, उस गाने में नहीं, नहीं वहाँ प्रयास ने नहीं, ये उस्मान खालिद भट्ट ने इस गाने को ये एक फिल्म बहुत ही सरप्राइज और सरप्राइज एंट्री है एक बहुत बड़ी स्टार की। अच्छा, तो मेल या फीमेल? हाँ, मेल या फीमेल? फीमेल, फीमेल। हाँ, तो उनकी एक अच्छा वहाब से, मुझे तो कोरियोग्राफर वहाब याद है ना, वहाब ने वहाब, वहाब रियाज, मुझे लगता है वर्ल्ड कप जो है ना, हाँ, मैं वहाब शाह की बात कर रही थी, लेकिन वहाब शाह और वहाब रियाज मेरे ख्याल में, आपने वहाब रियाज का है ना, अब मैं सॉरी, मैं फिर मुझे वो बॉलर है, मुझे लगता है कि आपको क्रिकेट अभी तक वर्ल्ड कप जो है ना वो चल रहा है कुछ दिन में। वहाब ने दूसरा गाना खिलती कली वो उन्होंने उन्होंने कोरियोग्राफ किया और डिजाइन किया उस गाने को, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग उन्होंने काम किया। जैसे निगाह हुसैन है, ठीक है, उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत अच्छे जैसे गानों को डिजाइन किया, कोरियोग्राफ किया और डांस मूवमेंट डांस। आपने मैचेस देखे हैं वर्ल्ड कप के? जी हाँ। जी हाँ या नहीं? ऑब्वियसली मैंने देखे, मैं आपको पता है, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना, बहुत दुख के साथ मैं कहूँगी कि टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, और जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे आपकी आप बेहतर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते, तो बहुत सारी मुझे खामियां नजर आई। मुझे लगता है वो अपने चीज़ें फिक्स करने के बजाय मैच ही फिक्स हो जाते हैं। नहीं, मैच नहीं फिक्स हो जाती है, इसलिए कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का दौर है, और टीम को तो बहुत सुपर फिट होना चाहिए। आपने नहीं सोशल मीडिया पे कोई राय दी किसी किस्म की? इतने लोगों ने इतने अजीब और गरीब कॉमेंट्स और राय और चीज़ें लिखी। बस मेरे मुझे मैं देना चाहती थी, लेकिन शायद मैं कुछ दिनों के बाद पहले सोचूंगी, फिर उसको लिखूंगी। एक्चुअली मैं अपनी जब मैं अपनी राय का इजहार करती हूँ या मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं मुझे टाइम चाहिए होता है लिखने के लिए। मैं ख़ुद अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, मैं लिखती भी हूँ बहुत। अच्छा, मैं लिखती भी हूँ तो मैं उसको लिखूँगी, मुझे लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है। अच्छा, और मुझे बहुत सारा टाइम अपने साथ चाहिए होता है। तो उस वक्त तक तो वर्ल्ड कप ये सारा मोमेंट गुजर चुका। कोई बात नहीं, आपने अपना जो एक्सप्रेशन है, जो आप अपने जो आप सोचते हैं, तो अगर टाइम मिला तो ज़रूर
अच्छा, अगर आप लिखती हैं, मतलब उर्दू में लिखती हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं, क्या लिखती हैं? मुझे तो अब दिल चाह रहा है मीरा की किसी दिन डायरी में डायरी पढ़ा जाए। फरा, मैं मेरे साथ, आई एम वेरी सॉरी, मैं डायरी, लेकिन डायरी नहीं है मेरे साथ, वरना मैं बहुत, मेरी डायरी में बहुत कुछ है। मैं अपनी डायरी में से, मीरा की डायरी में से एक सफ़ा है, कुछ लिखा हुआ आपको मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। वेरी गुड। तो वो अफसानवी होता है कुछ, क्या चीज़ होती है वो? मीरा की अपने फीलिंग्स होती हैं। कभी सोचा है कोई फिल्म भी लिखने का, फिर ड्रामा लिखने का, खुद ही से कुछ लिखने का, अगर आप लिख भी लेती हैं तो? एक्चुअली एक्टिंग इतना मुश्किल काम है कि आप एक्टिंग के साथ इतना, एक्टिंग की जो मूव्स हैं, बॉडी लैंग्वेज और अपने कैरेक्टर को समझकर काम करना, वो इतना मुश्किल है कि दूसरी तरफ जाने का और टाइम ही नहीं है। बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखूं। सर, आप डायरी तो लिखती हैं, डायरेक्शन करने की ख्वाहिश है। आजकल तो बहुत सारी डायरीज हैं ना, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने की ख्वाहिश है। डायरी ऑफ विम्पी किड, सो बहुत सारी डायरीज है ना, वो हर एक शेप में आजकल तो फिल्म्स बन रही हैं और बहुत हिट भी हो रही हैं, बड़ी पॉपुलर भी हो रही हैं। हाउ अबाउट मीराज डायरी? वही मैं फरा आपसे कह रही हूँ कि टाइम नहीं मिलता। जैसे आपको टाइम चाहिए होता है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, आपको फिर आपको अगर आपने डायरेक्शन देनी है, फिल्म को बनाना है, तो आपको हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, और फोकस चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कि मुझे अपने किरदारों से, जैसे मैंने अभी बाजी फिल्म में जो मेरा किरदार, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और सोचूं, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। बिल्कुल सही। ओके, अच्छा, हॉस्पिटल कहाँ तक पहुँचा है? वो भी आपका एक बड़ा पैशन है, उसके बारे में भी काफ़ी देर से आपने नहीं कुछ हमें बताया। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा क्लियर फोकस, और जब आपका फोकस, बहुत पैशन, बहुत फोकस, बहुत ज़्यादा टाइम, हॉस्पिटल इस वजह से मुकम्मल नहीं हो सका, वो भी मेरी गलती है कि मैं टाइम नहीं दे सकती, बिकॉज अपनी गलती को मानना चाहिए। इसलिए कि बहुत फंड रेजिंग की बहुत बड़ी कैंपेन मैं डिज़ाइन नहीं कर सकती, ठीक है, और ना ही मुझे टाइम मिला, ठीक है, और ना ही उस तरह से मुझे प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल आपको, आप जब एक टीम के साथ आप कामयाब होते हैं, आप अकेले कभी कामयाब नहीं होते, आप एक अच्छी, पहले आपको एक टीम अच्छी डिज़ाइन करनी पड़ती है, ठीक है, और जब आप अच्छी टीम डिज़ाइन करने में कामयाब हो जाते हैं, तब जिंदगी में कामयाब या किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर उसको कामयाब बनाना बहुत आसान, ठीक है, और उसके लिए डेडिकेशन, पैशन, यानी आपको लगता है कि टीम नहीं अच्छी बन सकी? अब आई थिंक कि शायद मेरी गलती कि मैंने शायद टाइम नहीं दिया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए। ये आप जैसे इमरान खान साहब ने रिटायरमेंट के बाद, तो उनका फोकस बहुत क्लियर था, उन्होंने उनका जो पैशन, उनका फोकस, वो सब क्लैरिटी थी, ठीक है, वो मसरूफ़ नहीं थे दूसरी चीज़ों में। तो इंशाल्लाह जब भी मुझे फ़ंड रेजिंग, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी, मुझे फ़ंड रेजिंग के लिए निकलना पड़ेगा, और लोगों से पैसा मांगना आसान नहीं होता, ठीक है, पैसा मांगना, और मुझे कहीं झिझक, और मैं शर्माती भी हूँ, ठीक है, तो लेकिन ये है कि जब आप ठान लेते हैं और सोच लेते हैं, और तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं, और इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिला और मौका मिला, और जब मैं, मेरे पास कुछ और करने को वैसे तो नहीं हुआ, तब आप हॉस्पिटल की तरफ फोकस करें। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल ज़रूर करूँगी, okay, ये मेरी कमिटमेंट है, ज़रूर करूँगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे बिल्कुल टाइम चाहिए, और मैं 100% डेडिकेटेड। ओके मीरा, आपको लगता है कि लोग आपसे जेलस होते हैं? मैं कभी होते होंगे, लेकिन मैं इस तरह सोचती नहीं, ठीक है, लेकिन क्या आप भी जेलस होती हैं बाज़ुकात? मैं समझती हूँ कि लोगों को जेलस होने की बजाय, हमारे यहाँ एकेडमीज नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई स्कूल्स नहीं हैं, कोई सीखने की जगह नहीं है। जैसे मुझे आपके, आप अगर फराह की, जैसे मैं आपका शो देखती हूँ, तो मुझे कोई अच्छी बात लिखेगी तो मैं आपसे सीखने की कोशिश करूँगी, मैं आपसे जेलस बिल्कुल हरगिज़ नहीं हूँ। इसी तरह मुझे जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हमारे तो मैं सबसे सीखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, और मैं भी सबको यही कहूँगी कि
सीखने की कोशिश करें. ठीक है, जो अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं वो आप उनको अपनाने की कोशिश करें. तो मतलब क्या चीज़ है जो आप समझती हैं कि आपसे सीख सकता है कोई भी, ये मैं आप व्यूअर को जहन में रख के बात कर रही हूँ, या मुझे या एनीबडी एल्स, क्या हमें मीरा से क्या सीख सकते हैं? हम सब में होता है, बिल्कुल होता है, बट आई वॉन्ट कि आप अपने बारे में हमें बताएं कि क्या चीज़ आप समझती हैं कि दी बेस्ट है मीरा में जो हमें सीखनी चाहिए. आई थिंक मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हूँ. मेरे अंदर हर रिश्ते को निभाने की सलाहियत है. मैं अच्छी बेटी हूँ, बहुत अच्छी बहन हूँ, बहुत अच्छी इंसान हूँ, लोगों के साथ बहुत डेडिकेशन है, बहुत मेहनती हूँ, और जिस काम को करती हूँ बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से. झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, और लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लोगों का ख्याल रखती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबकी मदद करूँ, सबका ख्याल रखूँ. ठीक है, और डिज़र्विंग बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे पास आते हैं तो मैं बताती भी नहीं हूँ, तो मैं सबकी मदद करती हूँ. तो आई थिंक मेरे में कोई बुराई नहीं. बिल्कुल सही. अच्छा मीरा, आपकी शादी को लेकर बहुत लोगों को तश्वीश रहती है, बड़े मशवरे भी दे रहे होते हैं, हाउ अबाउट दैट? उस पर इंशाल्लाह वो भी आपको जल्दी, मैं अभी अच्छा, फिल्म की 28th ऑफ जून को पहले फिल्म रिलीज हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह. कि जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज़ को अपनाने के लिए आपको आपके अंदर क्लैरिटी, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे एक अकाउंटेंट चाहिए जो पैसों के हिसाब किताब रख सके, वेबसाइट को मेंटेन कर सकें. जैसे अभी ये फिल्म आ रही है, फिल्म की हम प्रमोशन में मसरूफ़ हैं, और यानी शादी भी एक ऐसा काम है जो बाकी कामों से फारिग होने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लोगों को नहीं बताई. इंशाल्लाह टाइम आने पर सारी जो सच्चाइयाँ हैं और सब चीज़ें मैं ऑडियंस और आप सबके सामने लेकर आऊँगी. रियली? यानी आप सोच रही हैं कि नहीं, वक्त आने पर, मैं अभी नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन वक्त आने पर इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें जो हैं वो कितनी धमाका खेज होंगी जब आप. मैं आई थिंक कि जो भी होगा सबके सामने होगा, और बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया जाएगा, तो इंशाल्लाह हम आपके सामने. लेकिन अभी तो मैं बेहद, मैं अभी फिल्म की प्रमोशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अम्मी भी सुबह इनफैक्ट शो पर आना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आज जो मुझे आप मैं, तो आई थिंक 28 जून को फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक अच्छी फिल्म बनी है. साकिब जो हैं वो काम को समझते हैं, फिल्म को समझते हैं, फिल्म के मिजाज को समझते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं. आपने देखी नहीं है? नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे फिल्म दिखाएं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप फिल्म जिस दिन फाइनल डे पे देखिएगा. फाइनल डे पर तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक है, देखना है. अच्छा, अब जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगी ना, तो अगर आप लोगों ने कोई मीरा से सवाल करने हैं तो आप कर सकते हैं. शेरी बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमारी खातूनाना गपशप को. exactly, हम थोड़ा सा ना आपकी एक खूबसूरत सी आवाज, जो कोई मीरा का फेवरेट गाना, मीरा कोई गाना नेम, कोई गाना जो आपको पसंद हो, कोई और अपना फेवरेट गाना जो आप अक्सर सुनती हो. मैं जिंदगी में तो सभी प्यार किया, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, ब्रेक के बाद. ओके, सो लेट्स टेक ब्रेक फर्स्ट, और फिर मीरा का फेवरेट गाना, और फिर मीरा की ऑडियंस के मीरा से क्वेश्चन. ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक. खुशामदीद, हम आज मीरा से मिल रहे हैं. मीरा के साथ ये मेरा पता नहीं कितना इंटरव्यू है. जब भी मीरा, मैं आपसे मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे कि मुझे लगता है यार, मुझे नहीं समझ आती कैसे खबरें बन जाती हैं, बिकॉज व्हेन यू आर हियर, यू टॉकिंग टू मी, आप बहुत ज़बरदस्त बातें करती हैं. लेकिन कभी कभी जब आपकी कोई खबर आती है ना, और मैं उसमें सुनती हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि ये जिस मीरा को मैं जानती हूँ उसने स्टेटमेंट दी होगी, उसने कोई बात की होगी. तो वाकई आप कहती हैं या लोग खुद से भी आपसे जोड़ के बातें बना लेते हैं? मुझे ये पता नहीं है स्टेटमेंट की, आप किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. जैसे शादी के बारे में कोई आ गई, जैसे कोई और आ गई इस तरह की राय, मुझे अंग्रेजी को लेकर आ गई. मैं जब तक मेरे सामने वो स्टेटमेंट नहीं आएगी तो मैं कैसे कॉमेंट कर सकती हूँ.
मुझे पता होना चाहिए किस अखबार में कौन सी खबर आई। जैसे अभी पिछले दिन आपका कोई क्लिप फ्यू मंथ्स बैक चल रहा था कि शादी आप करना चाह रही हैं, शादी होने वाली है, कुछ इस तरह की बात। मुझे पता नहीं किस अखबार में आया है वो स्टेटमेंट, इसलिए मैं अखबारें नहीं पढ़ती। मैं वीडियो क्लिप खबरों में चला था इतना कुछ। फरा, आप और मैं जिस शो बिजनेस की दुनिया में हैं, तो लोग उसके बारे में, चाहे वो इंडियन एक्ट्रेसेस हों, पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में तमाम एक्ट्रेसेस जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा चर्चे में हैं। हाँ, और नहीं, मेरे से ज़्यादा चर्चे में हैं। हाँ, मेरा तो बहुत कम चर्चा है, मेरे से ज़्यादा चर्चे में बहुत सारी एक्ट्रेसेस। तो ये कोई नई बात नहीं है, जब से फिल्म इंडस्ट्री कायम हुई है पाकिस्तान में और जब से फिल्मी, तो लोग फिल्मी हीरोइंस के बारे में जानना चाहते हैं। और लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके किरदारों के बारे में, वो उनको फिल्म्स में देखते हैं तो वो उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो उनके ख्वाबों की, हमारे वो अपने ख्वाबों में देखते हैं अपनी हीरोइन को। तो इसलिए मुझे पता नहीं कि किस खबर की बात, बहुत सारी खबरें आती हैं मेरे लिए, तो मैं यहाँ हो गई इंडिया में खबरें चल रही होती, इंडिया के न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर जो हैं वो मुझे कवर करते हैं, एलए टाइम्स में, अमेरिका में कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे खबरें चल रही होती हैं, कनाडा में, दुबई में। और मैं ऐसा क्या खास बात है कि मीरा के बारे में इतनी खबरें चल रही हैं? नहीं, सिर्फ मेरी ही नहीं फरा, आपकी भी चलती होंगी, आपको पता नहीं, मेरी तो आज तक कोई खबर नहीं। जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं इंडिया की, इंडिया में ऐश्वर्या हैं तो उनकी पाकिस्तान में खबर आती है, उनकी माधुरी दीक्षित की खबर। आप लोग फिल्म स्टार है ना, आप तो जैसे तो बहुत सारी तो एक्ट्रेसेस के बारे में पूरी दुनिया में बात होती है। बिल्कुल सही कह रही। तो इसलिए चले, आपकी ऑडियंस, कोई सवाल है, कोई सवाल है पूछना, डरना नहीं है, मेरा कुछ नहीं कहती है। देखिए मैं कितने सवाल कर रही हूं, कुछ कहा उन्होंने जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मीरा जी से ये क्वेश्चन है कि मीरा जी के ऊपर इतने स्कैंडल्स क्यों बनते हैं? स्कैंडल्स क्यों बनते हैं जी? मीरा, इसलिए कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे स्कैंडलाइज करें और मेरी ज़िंदगी के अंदर मसाला डालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मिर्च मसाला आए और लोगों को मज़ा आए। तो ये जो स्कैंडल्स बनाते हैं वो इस बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं फिल्में बनाती हूँ और मैं काम करती हूँ। अब लोग स्कैंडल्स बनाते हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, कोई और, एनीबॉडी एल्स कोई और सवाल करना चाह रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जी, आपकी फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश है फिल्म बाजी, सॉरी आई एम किडिंग, सॉरी। मेरी फेवरेट डिश है सोचना पड़ेगा, मैं फ्रूट्स खाती हूँ आजकल मैं। नहीं नहीं, कोई एक डिश बताएं ना जो आप बड़ी मज़े से खाती हो हमेशा ढूंढ ढांड के भी। मैं बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं। पाए, मैं मछली बहुत शौक से खाती हूँ। मछली जी, मछली से बनी हुई चीज़ें जी। आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, पाकिस्तानी फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर पाकिस्तानी फेवरेट, राहत साहब भी बहुत अच्छे हैं, राहत, अली जफर भी बहुत अच्छे हैं, आतिफ, शफकत अमानत अली साहब, सारे कमाल सिंगर्स के नाम आपने ले लिए जी। और कोई सवाल जी? जी, कोई और करना चाह रहा है? आपकी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन जब अब तो खैर मैंने बहुत मैंने पढ़ लिख लिया है, तो एजुकेशन आप कह सकती हैं कि ग्रेजुएशन, फिर मैंने मेडिकल स्टडी किया है, फिर मैंने फिल्म पढ़ी है, फिर मैंने स्किन ट्रीटमेंट, मैं स्किन को समझती हूँ, फिर मैंने मैं स्टाइलिंग को समझती हूँ, फिर मैं डिफरेंट जी। फील्ड क्यों सिलेक्ट की, एक्टिंग में क्यों आई, मतलब ये फिल्म में क्यों आई? एक्टिंग को पढ़ा मैंने और वो पूछे फिल्म में क्यों आई, बहुत सारी लैंग्वेजेस वो मैंने सीखी जी। फिल्म में क्यों आई, उनका दूसरा क्वेश्चन ये।
ویسے میرا میں آپ کو بتاؤں فرینکلی میرا ماننا یہ ہے کہ شی از این ایکٹر نا, اگر انہیں انگریزی نہیں بھی آتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیز آپ ایسی بات نہیں, جو لوگ کہتے ہیں اگر انہیں نہیں بھی ان کی اتنی ڈگری کوئی فرق نہیں پڑتا, شی از اے اسٹار, انہوں نے اپنے کام سے پروو کیا ہے تو وہ ریلیونٹ. آپ کہہ رہی ہیں نا جب کوئی انگریزی کا پروگرام ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے انگریزی کتنی آتی ہے. سیریسلی تو ہم اردو میں پروگرام کر رہے ہیں, ہم سب اردو بولنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, اور کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, اور کسی کو بالکل نہیں جج کرنا چاہیے. اور ایجوکیشن مکمل کرنا اور ایجوکیشن حاصل کرنا ہم سب پر لازم ہے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں آتا, آنا چاہیے. کیوں نہیں آتا؟ بالکل آپ کو سیکھنا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات بالکل بات ہے, آپ کو سیکھنا چاہیے, آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کو اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے, آپ کو ہر سبجیکٹ آنا چاہیے. آپ کو یہ کہ زندگی میں سب سے جو امپورٹنٹ اور اہم آپ کی زندگی کا ایجوکیشن مسٹ ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کا بلیو یہ ہے؟ ہاں, ایجوکیشن بہت ضروری ہے. دوسرا سوال ان کا تھا کہ فلم انڈسٹری میں کیوں آئے, فلم کیوں؟ آپ اتنے مشکل سوال میں نہیں دے سکتی. پوچھا فلم میں کیوں, شوق تھا, اچانک آ گئی تھی تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ سلیکٹ کیا؟ پھر جب میری کتاب آئے گی یا میں اپنی زندگی پر فلم بناؤں گی تو آپ دیکھ لیجیے گا. ابھی میں سوال کا جواب ابھی نو کامنٹ. ہاں نہیں, نو کامنٹس کی بات نہیں ہے. میں ابھی کتاب آئے گی تو آپ پوری طرح سے آپ جان پائیں گے مجھے, یا آپ جب کبھی کوئی فلم بنے گی تو آپ, میں ان شاء اللہ اپنی کتاب پر کام کر رہی ہوں. میں نے ریکویسٹ کی ہے عثمان خالد بٹ صاحب سے, جو کہ میری کتاب انہوں نے کہا ہے کہ وہ لکھیں گے. اچھا, عثمان خالد بٹ, اور پھر اس کے علاوہ عرفان احمد عرفی صاحب ہیں. تو آپ ڈیٹیل میں, آپ بالکل صحیح, آپ نے گانے کی فرمائش کی تھی. گانا آپ سنائیے, میں تھک گئی ہوں جواب. وہ گانا آپ دوبارہ دہرا دیں جو آپ کا فیورٹ تھا, تاکہ شاعری آپ کو وہ سنائے. جی جی, وہ کون سا گانا تھا؟ اپنی مرضی سے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں. یہی کہا تھا میرا. چل اگین, میرا کی پسند ایک سیڈ گانا ہے نا, لیکن خوبصورت گانا, مزیدار گانا, خوبصورت گانا. آپ مسلسل ساتھ ساتھ گا رہی تھیں, میرا خیال ہے یہ آپ کا آل ٹائم فیوریٹ گانا ہے نا, ہے نا, بہت پسند ہے آپ کو. میرے خیال میں ایک کام کریں کہ اگر ان سے ان کو بلائیں اور یہ وہیں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا آپ گنگنا دیں, جیسے آپ گانا سنائیں, آ کر گنگنا دیں, کچھ اپنے دل کی بات آپ کہنا چاہیں. ہماری فلم انڈسٹری میں بہت سے نامور فلم اسٹار گزرے ہیں, تو میں میرا صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا فیورٹ جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں کون ہے. اچھا, ویسے ہم آپ سے گانے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے. میرے فیوریٹ میں زیبا اور شبنم, محمد علی اور ندیم. بس میرا خیال ہے اس کے بعد آپ نے فلمیں ہی نہیں دیکھی ہیں, اس کے بعد آپ نے فلمیں نہیں دیکھی ہیں. اور آخری نام کیا لیا؟ میرا خیال ہے آواز وحید مراد. آخری نام وحید مراد. وحید مراد, انہوں نے آپ کا فیوریٹ پوچھا ہے. میرے جو آئی تھنک فلم انڈسٹری میں جو بھی کام کرتا ہے وہ سب میرے فیوریٹ ہیں, اس لیے کہ میں فلم انڈسٹری سے میرا رشتہ ہے اور میری پہچان فلم انڈسٹری ہے, فلمز ہیں, اور جن کا بھی فلم سے رشتہ ہوتا ہے میرا آئی تھنک ان کے ساتھ بہت گہرا اور مضبوط کنیکشن ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیٹس ٹیک بریک, اور بریک کے بعد جائے گا کہیں نہیں, اس لیے کہ ہم کچھ انٹرسٹنگ کرنے والے ہیں, ہم کچھ گیمز کھیلنے لگے ہیں میرا کے ساتھ. سو اسٹے ود اس. جناب, آج ہم مل رہے ہیں ایک نئی صبح میں میرا سے, جو کہ ہماری فیوریٹ ایکٹر ہیں. اور میرا بڑی مصروف ہے اس وقت اپنے فون, کیا سن رہی ہیں؟ میں سوشل میڈیا پر. سوشل میڈیا پہ؟ واہ, کیا دیکھ رہی؟ جب سے سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پہ اگر آپ میرا انسٹاگرام کا پیج آپ دکھائیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائیں, بہت مزے مزے کی چیزیں دکھائیں. ہم مل کے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پیج. ٹھیک ہے, چلیں جی. کیا کیا کچھ ہے اس پہ؟ یہ آپ ہیں؟ دیکھ کر چپکے سے بھاگ رہے ہیں.
کہا. I hope آپ نے یہ گانا دیکھا ہوگا and I hope you enjoyed it. We are so proud to be associated with this beautiful and amazing song. It's one of the biggest hit of the season, so please keep watching out. Love you. Social media. اتنا اچھا فلوئنٹ آپ بول رہی ہیں. I love you, Meera ji. वाह, आई लव यू मीरा जी. क्या बात है, आमना की तरफ से एक बहुत मजे का इंटरेस्टिंग सा मैसेज. ये कौन है? तो नजर नहीं आ रहा मुझे. लव मी और हेट मी बट यू कैन नेवर रिप्लेस मी. ये हमारी फिल्म का एक डायलॉग है. ये इसका बाजी का, बाजी फिल्म का, कि लव मी और हेट मी बट यू कैन नेवर रिप्लेस मी. और ये डायलॉग जो है वो बहुत मकबूल हो चुका है. इसकी मकबूलियत, इसको छोड़ें, अब आप ये डायलॉग हमें हमारे कैमरे पे बोल के बताएं. आपके कैमरे में सामने वो कैमरा, आप सो बोलिए. लव मी और हेट मी बट यू कैन नेवर रिप्लेस मी. वेरी गुड, क्या बात है. अच्छा मीरा जी, अब ये आपके कानों पर म्यूजिक आएगा और एक लफ्ज मैं बोलूंगी, वो लफ्ज आपने बूझना है कि वो लफ्ज क्या है. मेरे होंठों की मूवमेंट्स, फिर आप बोलेंगी, मैं बूझूंगी. ये तो फरा नामुमकिन है. बूझा जाएगा, बहुत मुश्किल काम है. अभी बूझा जाएगा, देखिएगा. चले आप लगा लें, हेडफोन लगा लें. मुमकिन, पहला लफ्ज ठीक है, लगा लें, रख लें, रख लें जी. नहीं नहीं, नो चीटिंग. नहीं नहीं चीटिंग. एक्चुअली मेरे एयर, बस दैट्स इट. नहीं नहीं, ओपन नहीं करना, बस दैट्स इट. यप, लव्स है जी. सोचो, 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 सो चोर, सो चोर, सो 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 चो चोर, सो शोर, सो 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 चो चो से सो चो सो चो. पहला वाला ठीक है बिल्कुल. सो जाए, सो जाए, सो जाए. नहीं मतलब दूसरा लफ्ज आप नहीं बूझ पा रही, पहला आपने सही गेस कर लिया. लगाइए दूसरा, वो भी हो जाएगा. दूसरा है, थोड़ा नीचे करिए. चो, सो सो चो, सोचो. वेरी गुड, वाह. आई विश मैं इतनी जो है ना पेशेंट अपने बच्चों के साथ भी हूँ. वहां पर तो मैं बहुत ही वो हूँ, एक ही जैसे हैं तकरीबन. नेक्स्ट लगाइएगा मीरा जी, ताकि फिर मेरी बारी आए. चलें, मीरा मेरी तरफ देखें. लवली, लवली, वेरी गुड. यार ये लफ्ज बड़ी जल्दी, ये लफ्ज बड़ी जल्दी आपने बूझ लिया है. अच्छा नेक्स्ट है फोटो शूट, फोटो शूट. ये क्या हो रहा है भाई, म्यूजिक चल रहा है. अच्छा चल नेक्स्ट, बूझो, बू 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 स्मेल, हाँ बू खुशबू, बू झो खुशबू, बू झो बूझो. क्या बात है यार, मीरा इज सुपर इंटेलिजेंट. अच्छा बारी आपकी आई, नाउ दिस इज योर्स. ये मेरा हो गया ठीक है, ये आप मुझे दे दें.
اب آپ نے سوال کرنا ہے اس میں سے پوچھ کے اور میں نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بھی آپ نے ایسے ہی کیوز دینے جیسے میں نے آپ کو دیے. چلے میں بہت فلمی ہوں. میں بہت فلمی ہوں. اوکے نیکسٹ. یہ بند ہو گیا ابھی. اچھا چاکلیٹ کھاؤ گے؟ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ آؤ گے؟ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ سوری چاکلیٹ کھاؤ گے؟ اب باجی دیکھو گی؟ باجی 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 دیکھو دیکھو یہ باجی دیکھو گی؟ باجی دیکھو گے. واہ گینگسٹر گڑیا. گینگسٹر گڑیا. گینگسٹر گڑیا. گینگسٹر گڑیا. اچھا کھلتی کلی کو دیکھ کر چپکے سے بھورے نے کہا. کھلتی کلی کو دیکھ کر چپکے سے بھورے نے کہا. کھلتی کلی کو دیکھ کر چپکے سے بھورے نے کہا. چپکے سے چپکے سے بھورے بھورے نے یہ کہا. کھلتی کلی کو دیکھ کر چپکے سے چپکے سے بھورے نے. کھلتی کلی کو دیکھ کر چپکے سے بھورے نے یہ کہا. یہ آخری تقریر کیا تھی بھائی؟ جانے مجھے کچھ سمجھ آیا تو بہت ہی لمبی تقریر تھی. یہ کیا, یہ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کھلتی کلی کو دیکھ کر چپکے سے بھورے نے کہا. اب یہ کون کافر بوجھ سکتا ہے یار, یہ ہے نا, کوئی بوجھ سکتا ہے؟ لیکن میرا کے لیے تالیاں. انہوں نے آلموسٹ سارے جو ہیں بہت ایکوریٹلی گیس کیے. ویری ویری اسمارٹ میرا, ویری اسمارٹ ماشاء اللہ. اچھا جی, اب یہ ہے کہ یہ دو بورڈز ہیں, ایک کے اوپر لکھا ہے ہاں, ایک کے اوپر لکھا ہے کبھی نہیں. نو ایکسپلینیشن. آپ کا جس پہ ہاں ہو دل کرے اس پہ ہاں کہیں گے, جس پہ نہیں ہے اس پہ آپ کبھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, کوشچنز بولڈ ہیں, بیوٹیفل ہیں اور خطرناک ہیں. ٹھیک ہے, ہم دونوں اس کو جواب دیں گے. آپ نے اپنی مرضی سے دینا ہے, میں نے اپنی مرضی سے دینا ہے, آپ مجھے دیکھ کے نہیں دینا. کیا کبھی کسی ساتھی پر کرش ہوا, کسی اپنے ساتھ کے فلم سٹار پر؟ آئی وش میرے ساتھ کوئی ہینڈسم لوگ کام کیے ہوتے اس طرح کے. اچھا سیٹ پر کبھی آپ نے کسی کو کٹ کروایا ہو کہ یہ کیوں یہاں پر آئی ہیں, ان کو نکالیں؟ جلدی, میرا از امیزنگ. اچھا کبھی فلم بغیر اسکرپٹ پڑھے سائن کی ہو؟ ویری گڈ. اچھا کسی فین نے آپ کو اپروچ کیا ہو کہ میرا جی آئی لو یو ویری مچ, میں مر جاؤں گا, میں آپ پہ بہت مرتا ہوں اور آپ کو بھی اس سے پیار ہو گیا ہو؟ ہر روز, ایوری ڈے, ایوری ڈے روٹین, ہر روز. اچھا کبھی میرا نے کسی کی یاد میں ساری رات رو رو کے تکیہ بھگویا ہو؟ ویری گڈ. کسی نے میرا کا دل توڑا ہو؟ ویری گڈ. اچھا میرا نے کسی کا دل توڑا ہو؟ ویری گڈ. اچھا جی کبھی اپنے سیلیبریٹی اسٹیٹس کا فائدہ اٹھایا, یو نو آئی ایم میرا؟ ویری گڈ.
اچھا کبھی کسی کے موبائل سے چرا کے میسیجز پڑے ہو کہ کس نے میسج کیا ہے, کیا میسج کیا ہے؟ کبھی نہیں. فلم دیکھتے ہوئے میرا نے رونا شروع کر دیا ہو؟ ویری گڈ. اچھا کبھی میرا نے کسی کو رکھ کے تھپڑ لگایا ہو؟ کبھی کسی نے میرا کو رکھ کے تھپڑ لگا دیا ہو؟ اوکے کون, چلو ٹھیک ہے, فلم میں بہت تھپڑ پڑے. اچھا فلم میں. اچھا کبھی آپ پہ لگاؤ آپ پہ کسی نے کالا جادو کر دیا؟ کبھی آپ نے کسی پہ کالا جادو کیا؟ نہیں. اچھا اور اب ایک دوسرے گڈ سارا کچھ اب. اچھا زندگی میں جھوٹ بولا ہوں؟ کبھی زندگی میں بیک وقت دو لوگوں سے پیار ہو گیا ہوں؟ ایٹ اے ٹائم دو لوگ اچھے لگ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں, آدھا ٹائم ایک اچھا لگتا ہے آدھا ٹائم دوسرا اچھا لگتا ہے, تو بندہ سوچتا ہے اس سے کر لوں, کہتا ہے نہیں نہیں یار یہ زیادہ اچھا. اب وہ پتہ نہیں کس پوائنٹ آف ویو سے آپ پہنچ پوچھ, لیکن بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں, دو سے زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چیٹ کیا ہو کبھی کسی کو؟ چیٹ کبھی نہیں. چیٹنگ ونڈرفل, تھینک یو ویری مچ. کیسا لگ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے؟ آر یو انجوائنگ؟ تو پھر اپنے لیے بہت ساری تالیاں بجائیے گا, اور ایک دفعہ پھر دن کے ایک بریک, اور آ رہے ہیں بریک کے بعد. آپ ایک نئی صبح دیکھ رہے ہیں, اور آج برتھ ڈے ہے عروج امجد کی اور اقرا نسیم کی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آل دوز پیپل جن کی آج برتھ ڈے ہے. میری دعا ہے کہ آپ زندگی میں سب کچھ پائیں جس کی آپ کی خواہش ہے, آرزو ہے, اور جس کی آپ نے اپنے لیے دعا کی. اب ہم نے ایک سیگمنٹ کرنا ہے میرا جی, اس کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑے گا. تشریف لائیں, آئیے. شہری آپ بھی آؤں. اس سیگمنٹ میں شہری جو ہے وہ ہوسٹ ہے, ایک پارٹیسپینٹ میرا ہے اور ایک پارٹیسپینٹ جو ہے میں ہوں. میرا پترا جی اور شہری اب درمیان میں آ جائیں ہم لوگوں کے, ٹھیک ہے؟ تین سیکنڈ ہوں گے, اس میں جو بھی شہری سوال کریں گے اس کا جواب 3 سیکنڈ کے اندر اندر دیں, جو بھی ہوگا, ٹھیک ہے؟ شروع کریں. پہلا سوال. اوکے جی, پہلا سوال ہے میرا جی سے کہ موبائل کے 3 فائدے بتائیں. نقصان ہی نقصان ہے. نہیں, 3 فائدے. 3 فائدے میرے پوائنٹ آف ویو سے تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں لیکن آپ نے اس میں نا بس فائدے بتا دینے, سوچ کے 3 فائدے. کوئی سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. آپ کو کوئی فائدہ؟ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں نیکسٹ. 5 پرندوں کے نام بتائیں. 5 پرندوں کے نام بتائیں. کوا, کبوتر, طوطا, مینا, بلبل. اوور, بس ٹھیک ہوں گا, بتا دیے 5. میرا جسے ہے اگلا کوشچن ہمارا نیکسٹ, میم سے شروع ہونے والے 3 نام بتائیں. Means Meera, Myra, Mayali. Very good. Yeah, fantastic. Okay. Okay, ji. Farah ji se question hai, koi si 3 movies ke naam bataye jisme dil ka word aata ho. Dil ka word aata ho. Dil wale dulhaniya le jayenge, dil lagi, dil. Dil. Dil chale. Dil chale. ٹائم اوور ہو گیا. اوکے میرا جس یہ کہ پاکستان کے 4 شہروں کے نام بتائیں. 4 شہر, گوجرانوالا, فیصل آباد, لاہور, کراچی. ویری گڈ. آپ سے فرح جی سے ہے, کسی کو پیار سے بلانے کے 4 لفظ بتائیں. جانو, ڈارلنگ, ہنی, مائی لو. زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ ہے جی میرا جی کے لیے, میک اپ کی پانچ چیزوں کے نام بتائیں. لپسٹک, مسکارا, بلش آن, آئی شیڈز, فیس پاؤڈر. فیس پاؤڈر. فینٹاسٹک. اوکے
کسی سے اظہار محبت کرنے کے تین جملے بتائیں. یہ میرا سے بھی پوچھنا ہے پھر بعد. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اظہار محبت کے تین جملے: آئی لو یو, میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اگر آپ مجھے نہ ملیں تو میں مر جاؤں گا. واہ کیا بات ہے. میری آپ کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, میری آپ کے ساتھ کیمسٹری بہت اچھی ہے, یا میں آپ کو بہت سمجھتی ہوں. ویری گڈ. اور چار پھلوں کے نام بتائیں. آم, کیلا, سیب, مالٹا, انگور. ویری گڈ جواب. لفظ باجی کے استعمال سے دو ٹیگ لائنز بنائیں. دو جملے. باجی 28 جون کو باجی فلم دیکھنے ضرور جائیے گا. اور باجی فلم کے بارے میں آپ باجی فلم کو اپنے پیجز پر, یعنی کہ فیس بک پیج پر, آپ اپنے سوشل میڈیا پیجز پر آپ فلم دیکھنے کے بعد آپ فلم کے پوسٹروں کو آپ ٹیگ کر سکتے ہیں, آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, آپ باجی فلم کا میوزک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور باجی فلم کے پیج پر جا کر آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. اور آپ ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم. اوکے جی ریحان, نیکسٹ کوسچن ہمارا پر جسے ہے کہ کوئی سی دو باتیں بتائیں جو آپ نے شو پہ آنے سے پہلے سوچی. شکر ہے آج میری جان بچ گئی, نمبر ایک میں نے صبح آتے ہی کہا. اور شکر ہے یار, اس میں نے تو اس وقت جو لفظ آیا تھا میرے ذہن میں وہ گدا نہیں تھا, میں کیا آیا ہوگا. شکر ہے یار گدھے کو بھی کچھ نہیں ہوا. نہیں میں نے پتہ کیا سوچا, میں نے کہا شکر ہے یار یہ کھوتا بھی بچ گیا. ویری گڈ. اوکے جی نیکسٹ کوسچن میرا جی سے کہ کوئی سی دو باتیں جو آپ آج میں فائنلی اسلام آباد جا رہی ہوں, کیونکہ اس لیے کہ مجھے پورا مہینہ ریسٹ نہیں ملا. پہلے میں نیو یارک آئی, نیو یارک سے دبئی آئی, دبئی سے کراچی پہنچی, کراچی سے لاہور, اب اسلام آباد, پھر واپس اور پھر اسلام آباد. تو یہ ساری یہی چل رہا ہے. ویری گڈ. ونڈرفل ٹو میٹ یو آلویز میرا. جب بھی آپ آتی ہیں تو ایک زبردست سا بندہ بندی ہمیں ملنے کو دیکھنے کو ملتی ہے. ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے یار, پتہ نہیں کیا ہوگا, میرا کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے, لیکن ہر دفعہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے. سیریسلی کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. ونڈرفل ٹو میٹ یو. میں جب بھی آتی ہوں آپ کے شو پر مجھے بہت پیار ملتا ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ کچھ شاید ہم نے ورک شاپ نہیں کی, رات کو بیٹھے تو اور زیادہ اچھا شو ہوتا. بالکل صحیح. لیکن آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. اور پوری ساری ٹیم کو, سب لوگوں کو باجی کے شو پر, میں لاہوریوں کو اسپیشلی جو آپ سب ہیں اور ہمارے ساتھ جتنے بھی, سب کو میں باجی کے لیے انوائٹ کر رہی ہوں. آپ ضرور آئیے گا اور میرے ساتھ بیٹھ کر لاہور میں فلم دیکھیے. اوکے سائن آف. خیال رکھیے گا اپنا, کل ملیں گے. اللہ حافظ.